तो इस बीच एक और बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी और अहम जानकारी। सदन में उठा एपीएमसी एक्ट का मुद्दा। कांग्रेस ने एपीएमसी, कांग्रेस के प्राइवेट मेंबर ने मुद्दा उठाया था सदन में, बोले सीएम मनोहर लाल। तो बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा बजट सत्र से जुड़ी हुई बेहद बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। सदन में एपीएमसी एक्ट का मुद्दा उठा है, बेहद बड़ी खबर। सदन में एपीएमसी एक्ट का मुद्दा उठा, कांग्रेस ने यह मुद्दा उठाया। कांग्रेस के प्राइवेट मेंबर बिल को रद्द करने की मांग उठी है। तो बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, सदन में सीएम मनोहर लाल बोलते हुए नजर आए हैं, बेहद बड़ी और अहम जानकारी। मैंने भी कांग्रेस का प्राइवेट मेंबर बिल देखा है, एपीएमसी एक्ट संशोधन का हरियाणा से संबंध नहीं है, यह प्रावधान सेंट्रल एक्ट को लेकर के है। कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है। बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सदन में एक बार फिर से एपीएमसी का मुद्दा उठता हुआ नजर आया। बेहद बड़ी और अहम जानकारी, ब्रेकिंग न्यूज बजट सत्र से जुड़ी हुई आपको दे रहे हैं। सीएम मनोहर लाल का बयान भी सामने आया, उन्होंने कहा कि मैंने ये बिल देखा है, एपीएमसी एक्ट संशोधन का हरियाणा से फिलहाल कोई संबंध नहीं है, ये सेंट्रल का मुद्दा है, ये सेंट्रल एक्ट का पार्ट है। कृषि कानूनों पर और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा रखा है, बेहद बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। हरियाणा बजट सत्र से जुड़ी हुई कांग्रेस के प्राइवेट मेंबर बिल को रद्द करने की बात कह रहे हैं, ऐसे में सीएम मनोहर लाल का बयान, उन्होंने कहा कि मैंने भी कांग्रेस का प्राइवेट मेंबर बिल देखा है, एपीएमसी एक्ट संशोधन का हरियाणा से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है, यह प्रावधान सेंट्रल एक्ट को लेकर के किया गया है। कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सदन में एपीएमसी एक्ट का मुद्दा उठा, तो पवन हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। पवन, क्या कुछ अपडेट आपके पास? हेलो पवन, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? विधानसभा के, जी बिल्कुल, आज देखिए हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हुआ है और ठीक 2 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। उसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया था 30 मिनट के लिए, और उसके बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो सदन में जो दिवंगत आत्माएं हैं उनकी श्रद्धांजलि उनको देने के लिए शोक प्रस्ताव रखा गया। सदन के नेता और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो है वो सदन का जो सदन में जो शोक प्रस्ताव है उसको पेश किया। उसके बाद नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी जो दिवंगत आत्माएं हैं उनको जो है वो श्रद्धांजलि दी, शोक व्यक्त किया गया। और साथ ही साथ जो है वो नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो किसान आंदोलन के दौरान जो किसान जिनकी शहादत हुई है उनके निधन पर भी शोक व्यक्त करने की बात की और उसके ऊपर शोक जो है वो सदन में व्यक्त किया गया। और इसके बाद जो है वो सदन में 2 मिनट का मौन रखा गया और तमाम जो दिवंगत आत्माएं हैं उनको श्रद्धांजलि हरियाणा की विधानसभा से दी गई। इससे पहले हरियाणा के विधानसभा के अध्यक्ष ने एक अपील की और कहा कि जो विपक्ष के विधायक हैं जो काली पट्टी बांध कर आए हैं, मुंह पर काला मास्क लगा कर आए हैं, वो जो है वो श्रद्धांजलि देनी है, इसलिए इस विरोध की काली पट्टी को या मास्क को उतार दें। और उनके अनुरोध पर मास्क उतारकर कांग्रेस के विधायक जो है वो जो 2 मिनट का मौन रखा गया था उसमें शामिल रहे।
और इसके बाद सदन में जो है वो शोक प्रस्ताव पारित किया गया। और सदन में शोक प्रस्ताव के बाद एपीएमसी एक्ट जो है उसके ऊपर काफ़ी हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस ने एपीएमसी एक्ट में अमेंडमेंट को लेकर प्राइवेट मेंबर बिल दिया था, लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल को विधानसभा ने रिजेक्ट कर दिया है। इसके ऊपर कांग्रेस का ऐतराज था। कांग्रेस ने काफ़ी देर तक इसके ऊपर जब अपना ऐतराज जताया, उसके बाद सदन के नेता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और अभी कोई कानून लागू ही नहीं हुआ है, तो उसमें अमेंडमेंट हरियाणा की विधानसभा से नहीं हो सकता है। इस तरीके से काफ़ी देर तक जो है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में इस मुद्दे पर तकरार देखने को मिली और आज की जो कार्यवाही है वो खत्म हो चुकी है। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए हरियाणा निवास पहुंचे हैं और यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में तमाम तरह की अपील जो है वो की और अब नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंचे हैं।